हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम पुराने दुपट्टे से स्लीवलेस और पाइपिंग लगाकर बहुत ही सुंदर सी कुर्ती बनाएंगे इस कुर्ती के चाक और घेर पर हम पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे कि उसकी सिलाई बाहर ना दिखे और इसके कंधे को भी इस तरीके से जोड़ेंगे हम कि वो उनकी सिलाई बाहर ना दिखाई दे तो वीडियो को ध्यान से पूरी देखना तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये इस तरीके से मेरी चुन्नी फोल्ड है और दोनों साइड से ये वाला प्रिंट है इसमें और इस प्रिंट के अंदर भी ऊन से कढ़ाई कर रखी है तो सबसे पहले मैंने इसके चारों ओर जो ये लेस लगी थी इसको खोल लिया था फिर मैंने चुन्नी को इस तरीके से फोल्ड करके देखा कि ये प्रिंट किस तरीके से मैं अपनी कुर्ती पर ला सकती हूँ पहले मैंने ये इस तरीके से देखा तो एक मोर के साथ ये दूसरा मोर कट हो रहा था तो फिर मैंने इसको दोनों मोर के साथ इस तरीके से प्रिंट को बीच में ला कर देखा तो किस तरीके से बनाऊँ ये मेरे को डिसाइड करना था और फाइनली मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड कर लिया कि दोनों मोर को बीच में ही रहने देंगे तो ये कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगेगी सिंगल मोर के बजाय तो यहाँ पर पहले मैंने लाइनिंग पर कुर्ती की कटिंग कर ली थी ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट है ये स्लीवलेस कुर्ती है और डीप नेक के साथ है बैक नेक हमारा डीप रहेगा तो इसमें आपको मेजरमेंट मैं बताऊंगी कितना मैंने कहाँ पर रखा है यहाँ पर मैंने कटिंग आपको नहीं दिखाई है लेकिन हाँ माप बता दूंगी यहाँ पर कितना रखा है शोल्डर मैंने साढ़े पाँच रखा है आर्मोल में मैंने साढ़े पाँच इंच रखा है और जो फ्रंट नेक की लंबाई है वो सेवन पॉइंट फाइव है और बैक नेक की लंबाई नाइन पॉइंट फाइव है ये हमारा डीप नेक कुर्ती है और जो नेक की चौड़ाई रखी मैंने टू इंच रखी है यहाँ पर चेस्ट है मेरी थर्टी थ्री जो कि फ़िक्स माप है उसमें मैंने वन इंच की लूजिंग दी है क्योंकि हमारी डीप नेक कुर्ती है तो इसमें हमें ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत तो नहीं हो रही तो इसमें मैंने ओनली वन इंच की लूजिंग हमें चेस्ट में देनी है और कमर में मैंने डेढ़ इंच की लूजिंग दी है हिप में आप अपने अकॉर्डिंग एक से डेढ़ इंच की लूजिंग दे सकते हो जैसा आप मेजरमेंट लोगे हिप में उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो तो ये मेजरमेंट मैंने बता दिया आपको लाइनिंग पर कटिंग करने के बाद उसके बाद जो हमारा मेन दुपट्टा था उसको भी बीच से फोल्ड करते हुए मैंने उस पर भी ये कटिंग कर ली है ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं अब हम इसकी सिलाई करेंगे ये देखिए मेन कपड़े को लाइनिंग के नीचे रखते हुए ये मैंने आर्मोल पर भी सिलाई लगा ली है और नेक पर भी ये सिलाई लगा ली है लाइनिंग को रखते हुए इसकी सीधी साइड पर मैंने लाइनिंग को रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधी साइड है उसके ऊपर मैंने लाइनिंग को रखा और इसके बाद आर्मोल और नेक पर सिलाई लगा दी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए अब जहाँ पर भी हमारी ये गोलाई है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को मैंने सेम इसी तरीके से कर लिया है और फ्रंट वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर सीधा भी कर लिया है यहाँ पर ये देख सकते हो इसको मैंने सीधा कर लिया और बैक पार्ट को अभी हम उल्टा ही रखेंगे अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे यहाँ कंधे को जोड़ने के लिए हम गुम सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा बैक पार्ट है उसकी लाइनिंग को हम उठाएंगे जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और ये देखिए दोनों पार्ट की हम सीधी साइड को मिलाएंगे और जो हमारा ये फ्रंट पार्ट का शोल्डर है इसको ये देखिए लाइनिंग के अंदर से इस तरीके से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ से अच्छे से मिलाते हुए सिलाई को दोनों साइड से और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरे वाली कंधे को भी लाइनिंग के अंदर से डालते हुए यहाँ पर भी हम ये सिलाई लगा लेंगे ये दोनों कंधे पर हमने सिलाई लगा ली है अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है कॉर्नर में से हल्का हल्का हम कट कर लेंगे और अब हम इसको सीधा करेंगे सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे कंधे अटैच हो गए हैं देखिए ये मैंने सीधा कर लिया इसको ये हमारा सीधी तरफ से है और इसके उल्टी साइड से भी हमारा देखिए कितना फिनिशिंग के साथ है कोई भी कपड़ा हमें बाहर की तरफ या सिलाई कोई भी बाहर की तरफ नहीं दिखाई दे रही है इस तरह अगर आप लाइनिंग के साथ स्लीवलेस कमीज़ या कोई भी फ्रॉक वगैरह बना रहे हो तो आप इस तरीके से अपने कंधे जोड़ सकते हो अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे एक आरमोल की साइड से भी और दूसरी हम नेक की तरफ से भी ये सिलाई लगा देंगे ये मैंने सिलाई लगा ली है आरमोल की साइड से भी और नेक की साइड से भी इस तरीके से सिलाई आई है मेरी मशीन में एक डिज़ाइन था तो वही मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पर अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इसके बाद मैं आपको इसके आर्म होल में और पूरे चाक में पाइपिंग लगा कर दिखाऊँगी गुम पाइपिंग हम किस तरीके से लगाते हैं दोनों साइड से फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगा ली है अब हम इसके चाक और घेर पर पाइपिंग लगाएंगे तो ये जहाँ पर भी मेरे को पाइपिंग लगानी है जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं यहाँ करीब मैंने आधा इंच ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा बाकी मैंने कट कर दिया और ये पाइपिंग ली है पाइपिंग को मैंने बिल्कुल निशान के ऊपर रखा है इस तरीके से पाइपिंग को निशान के ऊपर रखते जाएंगे और उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया है मैं ये मैंने लाइनिंग का ही कपड़ा ले लिया है इसकी चौड़ाई मैंने ढाई इंच रखी है ये आप दो इंच रखोगे तो वो भी चल जाएगी यहाँ पर मैंने ढाई इंच रखी थी वो थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा ही रह गया था तो एक साइड से पट्टी को फोल्ड करेंगे और जो हमारी पाइपिंग है उसके बिल्कुल मिलाते हुए कपड़े को रखेंगे और फिर ये हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे ये आपको मैं मशीन पर करके दिखाती हूँ देखिए जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली हिप वाली सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से पाइपिंग को रखेंगे ये मैंने डोरी वाली पाइपिंग ली है जैसे मैंने निशान लगाया था वहाँ पर मैं रख लूँगी उसके बाद जो कपड़ा लिया था हमने लाइनिंग वाला उसको फोल्ड करके मैंने यहाँ रख लिया है अब जो ये कपड़ा हमने फोल्ड करके रखा है इसके किनारे से हम सिलाई चलाएँगे यहाँ मैंने मशीन में भी पाइपिंग फूट डाल लिया है ताकि बहुत ही अच्छी हमारी फिनिशिंग से पाइपिंग अटैच हो तो इसी तरीके से निशान के ऊपर रखते हुए जाएंगे पाइपिंग को भी और इस कपड़े को भी और ये सिलाई लगाते हुए जाएंगे। यहाँ पर ये सिलाई लगाते हुए मैं बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई हूँ तो यहाँ से अभी हम पूरी सिलाई लगाकर एक बार कपड़े को यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ पर पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और यहाँ से कपड़े को निकाल कर धागा कट करेंगे यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई कंप्लीट कर ली थी इसके बाद जो हमने ये कपड़ा लगाया इसमें इस कपड़े को फोल्ड करेंगे जितना भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है उस कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से हमारी पाइपिंग दिखाई देगी ये पीछे से कुछ इस तरीके से रहेगा इस पर हम बाद में हैंड स्टिच करेंगे इसके बाद जो हमने ये नीचे निशान लगाया उस निशान के ऊपर पाइपिंग रखेंगे ये निशान मैंने वही लगाया जितना मेरे को नीचे से कपड़े को फोल्ड करना है तो पाइपिंग को इस तरीके से रख लेंगे और सेम वो कपड़ा जो हमने लिया है उसको भी इस तरीके से रखते हुए जाएंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपके कॉर्नर बहुत ही अच्छे से पाइपिंग के साथ निकल कर आएंगे कॉर्नर में ये गुम पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है आप इसको आसानी से लगा लोगे आप और आपकी फिनिशिंग में भी कोई कमी नहीं आएगी बहुत अच्छी फिनिशिंग आपकी आने वाली है अगर आप इस तरीके से पाइपिंग लगाओगे तो एक साइड के कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगा ली थी अब यहाँ पर दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से जैसे मैंने पहले में बताया है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको जितना भी फोल्ड करना अंदर फोल्ड करेंगे उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और पाइपिंग को जो हमने निशान लगा रखा है उसके ऊपर रखेंगे और सेम उसी तरीके से जो कपड़ा हम लगा रहे हैं उसको भी इसी तरीके से यहीं पे रखेंगे पाइपिंग के साइड में और ये सिलाई लगा देंगे ये सिलाई लगाते हुए मैं हिप के दूसरी साइड में आ गई हूँ यहाँ पर जो हमारी हिप वाली सिलाई खत्म हो रही है उससे हम एक इंच ऊपर की पाइपिंग रखेंगे और ये यहाँ पर भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे हम तो ये हमारे एक साइड की पाइपिंग लगकर कंप्लीट हो जाएगी ये एक साइड की सिलाई लगाकर हमने पाइपिंग को पूरा कर लिया है पीछे से कुछ ये इस तरीके से दिखेगी और जो ये साइड में हमारा कपड़ा दिखाई दे रहा है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो अंदर से इस तरीके से फिनिशिंग आएगी और बाहर की तरफ से पाइपिंग ऐसे दिखाई देगी अंदर से हम हैंड स्टिच लगा लेंगे हाथ से तुरपाई कर लेंगे यहाँ पर आप कॉर्नर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से निकल कर आए हैं पाइपिंग के यहाँ पर मेरी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ इसका बैक नेक मैंने डीप रखा है यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में तो इस तरीके से आप भी अपनी किसी भी पुरानी चुन्नी से इस तरीके की कुर्ती बना सकते हो नीचे से आप पाइपिंग भी देख सकते हो मैंने यहाँ पर हैंड स्टिच भी कर ली है इसके चार ओर तो इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग दिखाई देगी मैंने पूरे घेर में लगाई है दोनों साइड चाक में भी और नीचे घेर में भी ये पाइपिंग लगाई है इस तरीके से पाइपिंग आप एक बार ज़रूर लगा कर देखना आप खुद कहोगे कि बहुत ही आसानी से हमने बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को लगा कर तैयार कर लिया है और यहाँ पर मेरा इसकी साइड से कपड़ा बच गया था तो उसमें से मैंने बाजू भी बना कर रख लिया अगर कभी मेरा मन किया तो मैं बाजू भी ये लगा लूँगी इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है बाजू डिजाइन की अगर आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो इसके साथ ही मैंने अफग़ानी सलवार बनाई है इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है आप ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो इस तरह से ये वीडियो मेरी कंप्लीट होती है अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते किसी न्यू वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ तब तक के लिए बाय